नमस्कार, नारायण गर्भ संस्कार में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डिलीवरी के बाद चाहे वो नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो या आपको ट्विंस हुए हो या आपको एक ही बेबी हुआ हो या ट्रिपलेट हुआ हो, चाहे जो भी हो, आपको कौन कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ या घर की दवाइयाँ खानी चाहिए और कब खानी चाहिए और किस तरीके से खानी चाहिए। तो ये सब खाने के वजह से आप जल्दी हील हो जाओगे, आप स्ट्रांग बनोगे, आपको फ्यूचर में आगे जाके कमर में दर्द या हाथों में नमनेस होना या इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होगी और साथ ही साथ आपका बेबी भी स्ट्रांग बनेगा। तो शुरू करने से पहले, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें कौन कौन सी चीज़ें लगने वाली है। ये सब चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने मेंशन की है, तो आप उस क्वांटिटी के हिसाब से किसी भी जनरल स्टोर से या किसी आयुर्वेदिक शॉप से खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये सब चीज़ों को रेडी करना या ख़रीदना, ये सब आप 9th मंथ स्टार्ट होने के बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें खरीदनी है। जिन जिन के इंग्लिश नेम्स अवेलेबल है, इजी वाले जो नॉर्मली यूज़ होते हैं, मैंने वो यूज़ करे हैं। और कुछ कुछ चीज़ों के आयुर्वेदिक नेम्स हैं तो वो आपको आयुर्वेदिक शॉप पे या जनरल स्टोर पे जाने से आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि प्री प्रिपरेशन क्या है, जैसे सीव करना या किन चीज़ों को ग्राइंड करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको कब कब मेडिसिन लेनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। आपको लगेगा गोंद, गोंद यानी कि एडिबल गम होता है, ये बहुत अच्छा होता है आफ्टर डिलीवरी, इससे बैक पेन वगैरह सब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अजवाइन, अजवाइन यानी कैरम सीड्स, घी, हो सके तब तक गाय का घी ही लेना है, गाय का घी बेस्ट होता है, वो भी देसी गाय का घी। बादाम यानी कि ऑलमंड, हो सके तब तक मामरा बादाम ही ले। शुगर, जैगरी, खोबरा यानी कि ड्राइड कोकोनट मिलता है, साबुत ड्राइड कोकोनट, वो लेना है। खसखस यानी कि पॉपी सीड्स, ताल मखाना यानी कि लोटस सीड्स, इसे कोई कोई राजभोग भी कहते हैं, वाइट कलर के आते हैं ये। बालान सौफ, सटवा सूट यानी कि ड्राई जिंजर की गठिया लेनी है आपको। लोद, ये आयुर्वेदिक है। खारिक यानी कि ड्राई डेट्स, सुपारी यानी कि बीटल नट, उसमें भी आपको चिकनी सुपारी लेनी है। हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक, कायफल, ये आपको बालों में लगाने के लिए लगेगा। काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर, वावडिंग, ये आपको पानी में डालने के लिए लगेगा। शतावरी कल्प, ये आपको बेबी को अच्छा ब्रेस्ट फीड आए उसके लिए लगेगा। कंबरकस, लवंग, सफ़ेद मुसली, ये भी आपकी ब्रेस्ट फीड इम्प्रूव करने के लिए होगी। गोखरू, पीपरामुल, जायफल यानी कि नटमेग, माजू फल, ये आपको ब्रशिंग के लिए यूज़ होगा। दशमुलारिष्ट, ये एक सिरप है। बालांत काढ़ा 1, 2, 3, ये नाम से ही ऐसे आता है, बालांत काढ़ा नंबर 1, बालांत काढ़ा नंबर 2 और बालांत काढ़ा नंबर 3, ये भी सिरप्स है। ज्येष्ठमध यानी कि मुलेठी का पाउडर, कथा पाउडर जो पान के ऊपर लगाते हैं वो, चूना यानी कि स्लेक लाइम, इलायची यानी कि कार्डमम, जायपत्री, सौफ यानी कि फेनल सीड्स, हरड़ और बत्तीसी पूड़ा। बत्तीसी पूड़ा बत्तीसी पूड़े के नाम से ही आता है, इसमें 32 टाइप्स की दवाइयाँ होती है जो आपके ओवरऑल बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो आप इसे लाकर रख ले। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको लाकर अच्छे से साफ करके पहले ही रख दें। ये तैयारी आप 9th मंथ लगने पर या आप 9th मंथ लगने के बाद में अराउंड 10 डेज के बाद सभी तैयारी कर सकते हैं। अब इनमें से कुछ चीज़ें पीस के यानी कि ग्राइंड करके रखना है और उन्हें ठीक से सीव करके रखना है। तो ये कैसे रखते हैं मैं आपको बताती हूँ, आप समझ ले वो पहले। जो गोंद है एडिबल गम, उसे आपके आवश्यकता अनुसार मोटा या दरदरा, बारीक दरदरा तथा
उस तरीके से जैसे आपको पसंद है, अगर आपको ज़्यादा मोटा खाना पसंद है तो वैसा पीस ले, अगर आपको बारीक खाना पसंद है तो वैसा पीस ले। मैं प्रेफर करती थी थोड़ा सा दरदरा हो ताकि वो दांतों में आए तो अच्छा लगता है टेस्ट में। वैसा पीसने के बाद उसे मैदे के छालनी से छान लेना चाहिए, और जो बारीक बारीक नीचे आएगा मैदे की छालनी से छना हुआ, उसे एक साइड में रख ले, वो हमें दूसरा दूसरी दवाई बनाने के लिए काम आएगा। और जो मोटा मोटा पिसा हुआ है उसे एक साइड रख ले, वो हमें दूसरे चीज़ें बनाने में काम आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको इसे सेग्रीगेट करके रखना है, एकदम बारीक और मीडियम साइज़ वाला। अजवाइन को पीस लेना है और उसके बाद में उसको आटे की छलनी से छान लीजिए। हल्दी की, आपने जो हल्दी ली है, जो भी मैं क्वांटिटी बताऊंगी हल्दी की, उस जैसे कि 100 ग्राम्स ऑफ हल्दी लेना है आपको, 100 ग्राम्स को आपको इन 7 हाफ डिवाइड करना है और 7 पुड़ी उसकी बना के रख लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 1 टेबल स्पून बनेगा। सटवा सॉल्ट की जो गांठ है उसको दूध में भिगो कर रख देना है अराउंड 2-3 आवर्स के लिए, और उसके बाद में उसे धोकर अच्छे से सुखा दो कड़ी धूप में, और वो जब ड्राई हो जाए उसको उसके बाद में पीस लेना है या कूट लेना है, और उसके बाद उसे सीव करके रख लो। सीव करके रखना है यानी छान के रखना है आपको। ठीक है, या तो आप कपड़े से छान सकते हैं या तो एकदम बारीक जो छलनी होती है मैदे की उससे छान सकते हैं। पिपरामूल को भी आपको कूट कर छान कर उसकी 7 पुड़ियाँ बनानी है। पिपरामूल की भी क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वो जितनी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को आप 7 हाफ्स में डिवाइड करेंगे और उस तरीके से उसकी 7 पुड़ी बनाकर रख लेंगे। काली मिर्च को भी थोड़ा सा कूट ले, इसे एकदम से पूरा ग्राइंड नहीं करना है, हमें पाउडर नहीं करना है, थोड़ा दरदरा सा रखना है तो उस तरीके का पीस ले। सुपारी को भी आपको कूट कर सीव कर लेना है। उसके बाद में कायफल और माजू फल, ये भी आपको कूट कर या ग्राइंड करके उसके बाद में उसको सीव कर लेना है। कायफल और माजू फल हम खाएंगे नहीं, हम उसे कायफल को सिर में यूज़ करेंगे और माजू फल को ब्रशिंग के लिए यूज़ करेंगे। बत्तीसे का पूड़ा तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपको एज इट इज़ बाज़ार में मिलता ही है। चलिए ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि कौन सी दवा कब खानी चाहिए और किस तरीके से खानी चाहिए। माजू फल, ये एक फल जो ये काइंड ऑफ एंटीसेप्टिक है, जो आपको अराउंड 10 पीसेस लाने हैं। इसके जो 10 पीसेस आप लाओगे उसका आपको ग्राइंड करके उससे आपको ब्रश करना है। अब ब्रश करने के लिए आपको इसमें क्या क्या मिक्स करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको माजू फल अराउंड 10 to 15 पीसेस लेना है, उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और उसके बाद में उसको सीव कर लेना है। उसके अंदर आप थोड़ा सा नमक डालोगे, सेंधा नमक डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डालोगे, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालना है। उसके बाद में इसको सेक लो, और उसके बाद में उसको अच्छे से जो सीव करके जो बारीक बारीक सा आएगा उससे आपको ब्रश करना है। यूजुअली आजकल ये कोई फॉलो नहीं करता है, बट अगर आप मिनिमम 25 डेज या 1 मंथ के लिए या 1.25 महीने तक भी फॉलो कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। ये हमारे दादी नानी वो सब लोग फॉलो करते थे, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे ऐसा बोलते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गम्स में भी बहुत इश्यूज होते हैं, गम्स ब्लीड करते हैं, और डिलीवरी के पेन से जब बेबी बाहर आता है तो उस वक्त में हमारे गम्स थोड़े लूज हो जाते हैं, तो इसीलिए मांजू फल ये एक एंटीसेप्टिक है, तो इससे ब्रश करना चाहिए ऐसा कहते हैं। तो इसकी प्रोसीजर चाहिए तो मैं वापस रिपीट करती हूँ। 10 to 15 माजू फल लेना है, जीरा थोड़ा सा जीरा लेना है अराउंड 2 स्पून्स ले लीजिए, और अराउंड 2 स्पून्स नमक लेना है आपको। उसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है, नमक ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे, मांजू फल और जीरा ड्राई रोस्ट करोगे। उसके बाद उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, सीव कर लेना है, और उसमें सॉल्ट मिला के रख देना है। थोड़ा थोड़ा पाउडर डेली लेना है, और उस आपको फिर ब्रश करना है अपने फिंगर के यूज़ से। ठीक है,
उसके बाद में जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, जिस दिन आपकी डिलीवरी होती है उस दिन अर्ली मॉर्निंग आप अजवाइन या गोंद की रवि लेना स्टार्ट कर दीजिए। आपको ये मॉर्निंग में खाना है। गोंद की रवि आप सबसे पहले खाइए, उसके बाद में एक डेढ़ घंटे से आपको अजवाइन खाना है टिल 7 डेज तक। टिल 7 डेज तक कंटिन्यू रखना है। अजवाइन मिनिमम फर्स्ट 5 डेज खाना है, बट अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप उसे कंटिन्यू करिए 7 दिन तक या 10 दिन तक। इवन आप रवि भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों से कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ भी नहीं होंगे, बैक पेन भी नहीं होगा, और अभी जो इतना आपका ब्लड लॉस हुआ है, इतना वीकनेस आया है, वो सब भी ठीक होने में मदद होगी। उसके बाद में आपको सेकेंड डे ऑफ द डिलीवरी से बालांत काढ़ा स्टार्ट कर देना है। बालांत काढ़ा की 3 बॉटल्स आती है 1, 2, 3 नंबर से। तो पहले आपको बालांत काढ़ा 1 लेना है, 10 डेज में वो फिनिश हो जाता है। मॉर्निंग में लेना है 1 स्पून, नाइट में लेना है 1 स्पून आफ्टर योर लंच एंड डिनर रिस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से आपको वो लेना है। पहले 10 दिन में फर्स्ट बॉटल ख़त्म करिए, नेक्स्ट 10 दिन में सेकंड बॉटल, नेक्स्ट 10 दिन में थर्ड बॉटल ख़त्म करिए, और ये फिनिश होने के बाद में आपको दशमुलारिष्ट की 1 बॉटल पूरी फिनिश करना है। इस तरीके से आप ये काढ़ा लेंगे। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट आयुर्वेदिक चीज़ें होती है जो आपको प्री प्रेगनेंसी वाले स्टेज पे ले जाने के लिए बहुत मदद करती है, और ये आपको भी स्ट्रेंथ देती है और आपके बेबी को भी स्ट्रेंथ देती है। तो ये आपको याद से लेना है, ठीक है। आपकी जिस दिन डिलीवरी होती है उसके नेक्स्ट डे से टिल 5 डेज तक आपको रात में हल्दी और पिपरामूल लेनी है। आपको याद होगा कि हमने हल्दी की 7 पुड़िया बनाई है और पिपरामूल की भी 7 पुड़िया बनाई है। तो पहले 5 दिन आपको हल्दी की पुड़िया लेनी है और उसके साथ ही साथ आपको पिपरामूल की भी पुड़िया लेनी है 5 डेज तक। सेकेंड डे ऑफ द डिलीवरी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, चाहिए तो फ्रॉम सेकेंड डे ऑफ डिलीवरी, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड डे ऑफ डिलीवरी टिल 5 डेज। पहले आप हल्दी की पूड़ी खाओगे, उसके बाद में आप थोड़ा सा दूध लोगे, उसके बाद में आप पिपरामूल की पूड़ी खाओगे, उसके साथ आप 5 आलमंड्स खाना है आपको। आई होप ये क्लियर है। आपको अगर ज़्यादा आलमंड्स पसंद है तो आप उतनी खाइए, मैक्सिमम टिल 7 खा सकते हैं। 5 to 7 आलमंड्स खा लेनी है। पिपरामूल खाने के बाद में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से ढक कर सो जाए। इतना पसीना आना चाहिए कि आपकी पूरी बॉडी पसीने में तर हो जानी चाहिए, विदाउट फैन, विदाउट कूलर, विदाउट एसी, इवन विदाउट ओपनिंग द विंडो सोना है। पिपरामूल अगर आप हवा में खाते हो या पिपरामूल खाने के बाद हवा में जाते हो तो आपका सर पकड़ जाएगा और वात भरने के पूरे चांसेस होते हैं। इसीलिए पिपरामूल आपको बंद कमरे में खाना है, उसके ऊपर आलमंड्स खाना है, और उसके बाद आपको दूध पी के तुरंत में जल्द से जल्द सो जाना है, पूरा ओढ़ के अच्छी तरीके से, ताकि आपको अच्छे से पसीना आ जाए। अब यहाँ पर हमने 7 पुड़ियों में से 5 पुड़िया तो फिनिश कर दिए हल्दी की और पिपरामूल की। अब बची हुई 2 पुड़िया कब लेनी है? 1 पुड़ी उसमें से आपको सूर्य पूजन वाले दिन लेनी है। सूर्य पूजन के लिए आप बाल धोते हो तो उसके वक्त आपको लेनी है 1 पुड़ी, 1 at सूर्य पूजन, ठीक है। बोथ हल्दी का भी लेना है और साथ ही साथ आपको पिपरामूल का भी लेना है। सूर्य पूजन को नहावन भी कहते हैं या फिर उसे सूर्य पूजन भी कहते हैं। ये अराउंड जब भी बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड गिर जाता है और उसके बाद जो पहली पूजा आप करते हो उसे एक्चुअली सूर्य पूजन या नहावन कहते हैं। तो उस दिन आपको रात में एक हल्दी या पिपरामूल की पूड़ी लेनी है, और जो दूसरी पूड़ी है वो पूड़ी आपको लेना है जिसे हम जलवा कहते हैं उस दिन, या जिसे कुआ पूजन कहते हैं उस दिन। तो आपको जो भी आप उसे कहते हो
उस दिन आपको ये लेना है। ये अराउंड 1.25 महीने के बाद ही पूजा जाता है, तो 1.25 महीने के बाद आपको एक पूड़ी लेना है हल्दी की और पिपरा मूल की। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 7 पूड़ियों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया है। सेकेंड डे से 5 दिन तक 5 पूड़ियाँ लेनी है। 6th पूड़ी आपको लेनी है सूर्य पूजन वाले दिन, और लास्ट पूड़ी आपको लेनी है जलवा पूजन या कुआ पूजन वाले दिन। और जब भी आप ये सूर्य पूजन या जलवा या कुआ पूजन वाले दिन खा रहे हो, उसके नेक्स्ट डे आपको सिर नहीं धोना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब आपका सूर्य पूजन फिनिश हो जाता है, उसके बाद से आपको स्टार्ट करना है सूट और लोद 7 डेज तक। तो जितनी भी क्वांटिटी आपको बताई गई है डिस्क्रिप्शन में सूट की और लोद की, उसको आप डिवाइड कर दीजिए 7 पार्ट्स में, और उसे आपको 7 दिन तक खाना है। यूजुअली सूट गर्मी करती है, तो जैसे मेरी डिलीवरी फुल ऑन समर में हुई थी इन द मंथ ऑफ मे, तो मैंने मॉर्निंग में सूट खाई थी और इवनिंग में लोद खाई थी, तो सूट की गर्मी जो है वो लोद से बैलेंस हो गई थी, क्योंकि लोद ठंडी होती है। तो अगर आपकी डिलीवरी ठंडी के दिनों में है, तो आप लोद को थोड़ा कम खाएंगे या धूप में बैठ के खाएंगे, ताकि बॉडी में ज़्यादा ठंडक ना हो। और अगर गर्मी के दिनों में है, तो आप सूट मॉर्निंग में खाइए और लोद शाम में खाइए, तो ये बैलेंस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में आपको कंबरकस और बत्तीसी पूड़ा के लड्डू या जो भी आपने मिक्सचर बनाया है, बना के रखा है, उसे स्टार्ट करना है। प्लीज़ ध्यान रखिए, ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है हमारी बॉडी को फिर से नॉर्मल बनाने के लिए, हमें फिर से नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जब माँ नया जन्म देती है, तो बच्चे के साथ साथ माँ का भी जन्म होता है, और हम उस वक्त बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। और जो ताल मखाना है या लोटस सीड्स है, उसे आप आफ्टरनून में कभी भी खा सकते हैं। वो आपको बहुत एनर्जी देंगे, आपके बॉडी में थोड़ी सी गर्माहट देंगे, और आपके बेबी के लिए भी दूध जो बनता है उसे इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। और वो थोड़े नमकीन बनाकर भी आप खा सकते हो। तो ताल मखाने आप किस तरह से खाओगे, थोड़ा सा घी लेना है पैन में, उसके अंदर ताल मखाने को ड्राई रोस्ट कर दो, और उसमें थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा सेंधा नमक मिक्स करके वो खा लीजिए। वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो अगर आप इस तरीके से खाओगे, तो ये आपको एनर्जी भी देते रहेंगे और अच्छे भी रहेंगे। सभी दवाइयाँ जब भी आप खाते हो, इन सभी दवाइयों में घी होता है, तो ये घी के साथ ही खानी है। अगर आप दवाइयाँ घी के साथ खाते हो, तो आपको गर्मी कम होगी, आपके बॉडी में जितनी रिक्वायर्ड हीट है उतनी ही जनरेट होगी। अभी समर आने वाला है, तो जिनकी भी डिलीवरी समर में है, उन्होंने तो खास ध्यान रखना है कि आपको घी में ही दवाइयाँ बनानी है। और ध्यान रखिए कि घी गाय का शुद्ध देसी घी हो। ये इनका प्रोसीजर कैसा है बनाने का, या मेरे मॉम ने मुझे किस तरीके से बना के दी थी ये सभी चीज़ें, चाहे रवि हो, चाहे अजवाइन हो, या लोद हो, या सूट के लड्डू हो, या बत्तीसी का पूड़ा हो, या कंबरकस हो, मैं जल्द ही आपके साथ उनकी रेसिपी शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो टिल देन प्लीज़ बेयर विथ मी। जैसे भी होता है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द ये सभी रेसिपीज़ अपलोड कर सकूँ। अब जो काइफल है, वो आपको सिर में लगाना है। अब वो किस तरीके से आप सिर में लगाते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। काइफल को आपको बारीक सा पीस कर आपने ऑलरेडी रख लिया है, और उसे आपने छान लिया है, तो एकदम बारीक सा उसका चूरा बन चुका है। तो आपको क्या करना है, उस काइफल को आपको घी में मिक्स करना है। और जब आप सूर्य पूजन के दिन सिर धोते हैं, तो उस दिन आपको सिर धोने के बाद शाम के वक्त में अपने बालों में, जैसे हम स्कैल्प पे ऑयल लगाते हैं, उस तरह से आपको काइफल और घी वाला जो मिक्सचर है, वो आपके स्कैल्प में लगाना है।
अगर आपने आज लगाया, लेट्स से आज फ्राइडे है, आपने फ्राइडे को लगाया, तो नेक्स्ट आप लगाओगे उसे संडे को, लेकिन बाल नहीं धोना है, ठीक है? फ्राइडे लगाना है, सैटरडे नहीं लगाएंगे, फिर संडे लगाएंगे, मंडे नहीं लगाएंगे, ट्यूसडे लगाएंगे, वेनसडे नहीं लगाएंगे, थर्सडे लगाएंगे, ऑल्टरनेट डे लगाएंगे। मिनिमम 5 to 7 टाइम्स आपको ऑल्टरनेट डे लगाना है और उसके बाद में आप बाल धो सकते हैं। अब ये क्यों करना है? ऐसा करने से आपके जो रूट्स बहुत वीक हो चुके हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, वो स्ट्रांग होंगे, उसे स्ट्रेंथ मिलेगी और साथ ही साथ आपका सिर भी पक्का रहेगा। जो हवा जाती है सिर में हमारे और उसके वजह से जो हमें हेडेक होता है वो सब भी नहीं होगा और साथ ही साथ आपके बाल काले भी रहेंगे। तो आई होप आपको ये सभी दवाइयाँ समझ में आ गई है। सबसे पहले जिस दिन आपकी डिलीवरी होती है उस दिन आप अजवाइन और गोंद की रवि से स्टार्ट करोगे। गोंद की रवि लिक्विड होती है तो सबसे पहले आप वो पी लीजिए, उसके बाद अजवाइन खा लीजिए, उसके बाद में आप सेकेंड डे से बालांत काढ़ा 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली स्टार्ट करोगे, मॉर्निंग एंड नाइट 1 स्पून एवरी डे, और उसके बाद दशमलारिष्ट स्टार्ट करोगे। उसके बाद में आप सेकेंड डे ऑफ द डिलीवरी से रात के वक्त हल्दी और पिपरामूल लोगे। पिपरामूल लेते वक्त आपको ध्यान रखना है खिड़कियाँ फ़ैन सभी बंद हो, उसके बाद बंद होके सो जाना है। उसके बाद आप आफ्टर सूर्य पूजन सूट और लोद स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद में आप वो फिनिश होने के बाद कंबरकस और बत्तीसी का पूड़ा भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ बादाम का शीरा ये भी बहुत से लोग खाते हैं और ये खाना भी चाहिए, ये आपके ब्रेस्ट फीड के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप वैसे तो जब आपकी डिलीवरी हो जाती है और उसके बाद में जब आप ब्रेस्ट फीड के लिए रखते हो तो जैसे जैसे बेबी को एवरी 2 आवर्स भूख लगती है, माँ को भी एवरी 2 आवर्स भूख लगती है और आपको बहुत कुछ खाने का मन करता है, तो मस्त बादाम का शीरा वगैरह ये सब हेल्दी हेल्दी चीज़ें खाइए और हेल्दी रहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से दवाइयाँ खानी है और कैसे कैसे खानी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल। विश यू अ वेरी हैप्पी मदरहुड अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।